महाराज जी 1528 में मीर बाकी बाबर का सिपा सलार आया था और उसके लिए कहा जाता कि राम के मंदिर को तोड़ के उसने बाबरी मस्जिद बना दी। 1528 में अडवाणी जी, ना आप थे ना मैं था ना कोई था, लेकिन राम का सबसे बड़ा भक्त दुनिया में तुलसीदास उसी सरयू के तट पर बैठ करके रामचरितमानस लिख रहा था, दोहावली विनय पत्रिका लिख रहा था। उसकी एक दोहा एक चौपाई कहीं भी मुझे दिखा दो जिसमें तुलसीदास ने यह लिखा हो कि मेरे भव्य आराध्य देव राम के मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई, कहीं नहीं, एक शब्द नहीं। तुलसीदास को नहीं दिखाई पड़ा, अडवाणी जी को दिख गया। मैं आपसे सच कहना चाहता हूं, हम लोग खूब अच्छे आराम से रह सकते हैं आपस में प्यार से मोहब्बत से, लेकिन सियासतदानों को यह मंजूर नहीं है, उनको राजनीति करनी, उनको मंदिर मस्जिद की राजनीति करनी है, हिंदू मुस्लिम की चोटी दाढ़ी की ये राजनीति करनी, इसी में उनको वोट मिलते हैं, पैसा मिलता है, सब कुछ। मैं पूछता हूं, तुलसीदास को नहीं दिखाई पड़ा, गुरु गोविंद सिंह पटना साहब में पैदा हुए आपके, और उसी रास्ते से वो पंजाब गए, उनका कितना लिखा हुआ साहित्य, एक शब्द मुझे दिखा दो जिसमें गुरु गोविंद सिंह, जिनके चार बच्चे शहीद हुए दीवारों पर चुने गए, उन्होंने कहीं लिखा हो कि मेरे राम के मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई। शिवाजी सारी जिंदगी औरंगजेब के खिलाफ लड़ते रहे, उन्होंने कहीं नहीं लिखा कि राम के मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई। स्वामी दयानंद सरस्वती फैजाबाद में खड़े होकर के ईसाई मुसलमान सबसे शास्त्रार्थ करते थे, लेकिन कहीं भी उन्होंने नहीं लिखा सत्यार प्रकाश ऋग वेदादि भाष्य भूमिका या कहीं भी कि राम के मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई। विवेकानंद जिन्होंने शिकागो में जाकर कितना शानदार भाषण दिया, सारे हिंदू समाज को गौरवान्वित किया, उसकी विवेकानंद की 200 किताबों में एक शब्द नहीं मिलेगा कि राम के मंदिर को तोड़ के। महात्मा गांधी मरते मरते इनकी जुबान पर हे राम निकला, महात्मा गांधी ने कहीं नहीं लिखा न कहीं कहा इस बात को कि राम के मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई, किसी को नहीं दिखाई पड़ा, लेकिन जिनको सियासत करनी है उनको दिखाई ही दिखाई पड़ रहा है। ये गंदी सियासत, ये सांप्रदायिकता की राजनीति यदि हम और आप मिलकर के बंद नहीं करेंगे, जो बात अभी कह रहे थे लोकेश मुनि जी, ये तो लड़ा करके अपनी गद्दी पक्की करना चाहेंगे, तुम्हें और हमें ये सावधान रहने की जरूरत है कि हम इनकी चालाकियों में नहीं आएंगे। ये लड़ाना चाहते हैं, हमें बांटना चाहते हैं, हमें तोड़ना चाहते हैं अंदर से, इनका कोई लेना देना नहीं किसी राम से या किसी से। मैंने तो योगी आदित्यनाथ जी से अभी लखनऊ की बहुत बड़ी रैली में मैंने खड़े होकर के पूछा, 50,000 की भीड़ में मैंने कहा, योगी आदित्यनाथ जी आप तो योगी हैं और मुख्यमंत्री भी हैं और आप कह रहे राम का मंदिर बनाना है, तो राम का मंदिर बनाने से पहले पूरे उत्तर प्रदेश में राम के मंदिर तो बंद कर दो, राम के मंदिर तो धड़ाधड़ खुलते जा रहे हो और कह रहे हो राम का मंदिर बनाएंगे, कैसे बनेगा राम का मंदिर। तो ये सारी की सारी चीजों को यदि हम और आप मिलकर के ईमानदारी से सोचेंगे, कुछ करने का जज्बा लेकर के आगे चलेंगे, और उसके लिए हमें अहद करना पड़ेगा, अगर हो सके तो अब कोई शम्मा जलाइए, अगर हो सके तो अब कोई शम्मा जलाइए, इस दौरे सियासत का अंधेरा मिटाइए, बस कीजिए आकाश में नारे उछालना, ये जंग है, इस जंग में ताकत लगाइए।